तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मी यू आई 12.5 के कौन कौन से डिवाइसेज हैं, यानी कि कौन कौन से डिवाइसेज में मी यू आई 12.5 परमानेंटली सस्पेंडेड हो चुका है। जैसे कि हमें रेडमी 7, रेडमी वाई 3, रेडमी 6, रेडमी 6 में मी यू आई 12 यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंडेड हो चुका था, क्योंकि उनमें मी यू आई 12 का अपडेट रेडमी 7, रेडमी वाई 3, रेडमी 6, रेडमी 6 में आना था, और रेडमी 7, रेडमी वाई 3 में तो मी यू आई 12.5 का भी अपडेट आना था। लेकिन इंडिया में उन अपडेट्स को अभी तक नहीं रिलीज़ किया गया है, क्योंकि उनको यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंडेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आज कुछ और डिवाइसेस को परमानेंटली सस्पेंडेड कर दिया गया है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन बाद में उनसे रिलेटेड एक कंफर्मेशन न्यूज़ आ जाएगी कि इन डिवाइसेस को यहाँ पे मी यू आई 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट परमानेंटली सस्पेंडेड हो चुका है, इनको ये अपडेट्स बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में यही पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडमी 9 डिवाइस की। तो रेडमी 9 में चाइना में 12.5 के दो अपडेट्स आए हैं, एक 12.5.1.0, वो एक स्टेबल अपडेट है और उस अपडेट का फुल्ली रोल आउट हो चुका है, और वो अपडेट एंड्रॉयड 10 पर ही बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ एक अपडेट और रिलीज़ किया गया है 12.5.0.2 का। ये अपडेट केवल MI पायलट्स के लिए है, यानी कि ये अपडेट केवल टेस्टिंग के पर्पज़ से ही रिलीज़ किया गया है, एंड्रॉयड 11 का अपडेट, और इसमें हमें अगस्त का सिक्योरिटी पैच है। और ये अपडेट हमें अगस्त को ही रिलीज़ किया गया था, और इसके बाद से रेडमी 9 के लिए यहाँ पे कोई भी न्यू अपडेट और कोई भी न्यू एक भी न्यूज़ और कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक नहीं हुई है रेडमी 9 के डिवाइस से रिलेटेड, क्योंकि इसमें केवल आप देखेंगे तो आपको इसमें CPU हीलियो G25 ऑक्टाकोर मैक्स 2 GHz, जो कि G25 प्रोसेसर है, मीडियाटेक का हीलियो जो कि बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंडिया में स्टेबिलिटी इश्यूज ही हमें देखने के लिए मिल रहे होंगे 12.5 के और एंड्रॉयड 11 से रिलेटेड। तो अब रेडमी 9 में इंडिया में 12.5 और एंड्रॉयड 11 को परमानेंटली सस्पेंडेड यहां पे कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बात हो गई हमारे पास यहां पे रेडमी 9 के लिए। तो अब रेडमी 9 इंडिया में कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं रेडमी 9 इंडिया की। तो Redmi 9 इंडिया में एक लेटेस्ट अपडेट आया है 12.0.13.0 का, अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ, एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड 232 MB में। तो आपको पता है कि Redmi 9 सीरीज़ में से हमें ज़्यादातर में 12.5 का और 12.5 के एनहेंस के अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। बाय द वे, बस एक ही डिवाइस बचता है, Redmi 9 पावर, और उसको भी 12.5 के एनहेंस का अपडेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमें उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि हमें उसमें मीडियम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन Redmi 9 इंडिया में जो प्रोसेसर है वो केवल G35 का ही है, एंड्रॉयड 10 पर ही बेस्ड अपडेट्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, ओनली सिक्योरिटी पैच अपडेट्स, कोई भी न्यू फीचर्स इसमें ऐड भी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें स्टेबिलिटी के इश्यूज ही देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसमें भी बिल्कुल लो एंड प्रोसेसर है। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू मी Redmi 9 इंडिया के लिए 12.5 और एंड्रॉयड 11 का अपडेट परमानेंटली सस्पेंडेड हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि Redmi 9 ग्लोबल और Redmi 9 इंडिया बिल्कुल सेम डिवाइस है। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 ग्लोबल का जो डिवाइस है वो इंडिया में Redmi 9 प्राइम के नाम से है, और ग्लोबल का Redmi 9 इंडिया का Redmi 9 बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये दोनों डिवाइस टोटली यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इस बात से कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होना कि ग्लोबल में Redmi 9 में 12.5 एंड्रॉयड 11 आ चुका है, और लेकिन इंडिया के Redmi 9 में अभी तक नहीं आया। तो ग्लोबल का Redmi 9 इंडिया में Redmi 9 प्राइम के नाम से हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब Redmi 9 ग्लोबल के लिए केवल और केवल 12 के अपडेट्स याद रहेंगे, मीमोर 12 के अपडेट्स और एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स ही। तो इसमें भी 12.5 का और एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स का भी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हमें देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल Redmi 7 और Redmi YG की तरह। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पोको C3 की। तो पोको C3 Redmi 9 इंडिया का रीब्रांड है, और इसमें भी हमें
सेम ही वर्जन का अपडेट चल रहा है 12.0.13.0 का, और रेडमी नाइन इंडिया में जब अपडेट मेजर अपडेट एंड्रॉयड 11.12.5 का नहीं आया तो पोको C3 में भी वो नहीं आ सकता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको बताया रेडमी 7 रेडमी वाई 3 में चाइना में मी यू 12 और 12.5 दोनों आए, लेकिन इंडिया में कुछ भी नहीं आया है। और ऐसा ही सेम रेडमी 9 के साथ हो रहा है, रेडमी 9 में चाइना में 12.5 एंड्रॉयड 10 का फुल रोल आउट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक 12 ही चल रहा है। सिक्योरिटी पैच भी हमें उसमें अगस्त का ही मिलता है, सिक्योरिटी पैच के भी अपडेट्स उसमें बंद कर दिए गए हैं रेडमी 9 के लिए, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हमें देखने के लिए मिल जाती हैं इन तीन डिवाइसेस के लिए, रेडमी नाइन और पोको C3 के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी आज की पूरी वीडियो कि इनके लिए यहाँ पे 12.5 और 12.5 के एनहांस का अपडेट परमानेंटली सस्पेंडेड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बैटरी चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरा बैटरी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।